हाय हेलो नमस्कार मुझे जसवंत आपको स्वागत करुँच विज्ञान चैनल को। तो आज आप जो सब रेस्ट थिला आम क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू पैटर्न में तो मुझे से भिडियोटी नहीं आसी आपंप ये भिडियोटी आप देखापुर आपोसी नर्सिंग अफिसर पर प्रिपेयर होता ना कहीं आपको यहाँ निश्चिंत हेल्पफुल कर मेनली आम जो OEEE एग्जाम आगे होगा जाऊँच नर्सिंग अफिसर पोस्ट आसपा जाऊँच तो से आपको यहाँ मोस्ट आपको हेल्पफुल कर। तो ठीक अच्छे भिडियो को लास्ट पर्यटन देखो आज ये भिडियोर फास्ट आ सेकंड पार्ट देखी ना मुझ आई बटन में लिंक देदेव जल्दी जल्दी से देखी ना एमती आप अपडेट पूरा नहीं आसी पूरा एमसीक्यू टाइप रहा कि एमती एमसीक्यू आउ थ्योरी को प्रिपेयर हूँ जमीक आपसी क्वेश्चन को पाइले मैंने आपंकर गोटे पलै आस गोटे लेवल पलै आस कि हाँ मुझे क्वेश्चन को देखी ये क्वेश्चन को करी। तो ठीक अच्छे आसो को स्टार्ट करवा। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखो 57 नंबर क्वेश्चन कौन दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड ए नर्स टेक फास्ट व्वेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एक कार्डियक अरेस्ट। तो गोटे कार्डियक अरेस्ट पेसेंट हो तो नर्सर से कौन आक्शन रो तो कौन देखो ऑप्शन इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग ऑप्शन बी प्रोवाइड इंट्रावेनस एसेस ऑप्शन सी एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे ऑप्शन डी दैट इज ऑब्टेन ए पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग। तो 57 नंबर ठीक आंसर हूँ ऑप्शन सी दैट इज एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे। ठीक अच्छे आगो एयरवेटा तार ओपन रखे जमीक किसी भी डिफिकल्टी न होगा। नेक्स्ट 58 नंबर देखो ए नर्सिंग इंटरवेंशन इन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वुड बी कंट्रा इंडिकेटेड। तो आमर कौन नर्सिंग इंटरवेंशन रही ना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मैंने आप समय जानते हैं फ्लेबाइटिस आम जो सब भेनफ्लोन दिया हुए कि कौन हुए सीटी आम किसी क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए जोटी की इन्फेक्शन टाइप हो जाए। तो ऑप्शन ए देखो मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट ऑप्शन बी टर्निंग द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड अप्लाइंग वार्म पैक्स टू दि अफेक्टेड लेग मैसेजिंग द अफेक्टेड एरिया अफेक्टिंग अफेक्टेड लेग। ठीक अच्छे तो आम गोटे जगह थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से किसी भी कारण हो तो आम कंट्राइंडिकेसन कौन रहा 58 नंबर राइट आंसर होगी ऑप्शन सी दैट इज अप्लाइंग वार्म पैक्स टू दि अफेक्टेड लेग यहीटा आमर कराइबा केबे भी ना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस केस जमा भी हुए ना। तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर व्वेन केयरिंग फर ए पेसेंट हू हाज इंटरमिटेंट क्लाउडिकेसन नर्स आडभाइज द पेसेंट टू। तो सेठी कौन कर क्लाउडिशन होटा जिपमर 2013 आसाला तो सेठी नर्सर रोल कौन रहा ऑप्शन ए अप्लाई ग्रेजुएट कंप्रेशन एलिवेट द लेग्स व्हेन सिटिंग रिफ्रेन फ्रॉम विगोरस एक्सरसाइज वर्क एज सच एज टॉलरेंस। तो 69 नंबर राइट आंसर होगी ऑप्शन डी दैट इज वर्क एज मच एज टॉलरेटेड। तो जितकी पारिबो सेतिकी चलिबा पई चेष्टा करिवो। तो 60 नंबर देखंतु द एबिलिटी टू एंटर इनटू द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन टू एक्युरेटली परसीव हिज करेंट फिलिंग एंड टू कम्युनिकेट हिज फिलिंग्स टू द पेसेंट इज। तो गोटे पेसेंट जगार आपण मानने पेसेंट रो लाइफ को एंट्री करी से जगार आपको किसी परसीव करी तार फिलिंग को कम्युनिकेट करने आम कौन कह जाए। तो 60 नंबर ऑप्शन ए सिंपाथी ऑप्शन बी एम्पाथी ऑप्शन सी सेल्फ डिस्क्लोजर ऑप्शन डी रोल प्लेइंग। तो 60 नंबर ठीक आंसर होगी ऑप्शन बी दैट इज एम्पाथी। तो आमको एम्पाथी कह जाए। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखो अंडन सेट्रन 8 mg आईवी गिवन बिफोर केमोथेरापी इज टू प्रिवेंट। आप समय जानते हैं अंडन सेट्रन आम बांति दि हुए तो आम ये जो केस केमोथेरापी कौन पर दिह। तो 61 नंबर ठीक आंसर होगी से वोमिटिंग वोमिटिंग को प्रिभेनसन अंडन सेट्रन दि हुए। तो 62 नंबर देखो ए पेसेंट इज शेड्यूल्ड फर इलियोस्टोमी टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक अच्छे दिस इज डन टू एटा कौन ना आम आरपीएस रे पड़ा ऑप्शन ए देखो प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस ऑप्शन बी डिक्रीज लिक्विड लिक्विड फिशेस ऑप्शन सी कंट्रोल द ऑर्डर फ्रॉम डायरिया ऑप्शन डी प्रिवेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक अच्छे तर 62 नंबर राइट आंसर होगी आम ऑप्शन ए दैट इज प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस। तो आम जो अल्सरेटिव कोलाइटिस आमर इलियोस्टोमी जोटा कि रिमूव हम तो से कौन करा पड़ो मैं प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस। तो कोलाइटिस मैंने परफोरेशन होमको ये अल्सरेटिव जो आम इलियोस्टोमी करा पड़ो। ठीक अच्छे तो आप निश्चय बुझीपारे आपने मन ध्यान देकर एबू पढ़ा स्टार्टिंग कर दिखाँ जो कौनसी नर्सिंग अफिसर एक्जाम हो आप जमी क्राक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट्स ऑफ फेनिटोइन एक्सेप्ट। आम फेनिटोइन दे कौन साइड इफेक्ट हुए एक्सेप्ट आमर अटाक्सिया हिर्सुटिज्म हाइपोग्लिसेमिया गम हाइपरट्रोफी। तो 63 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज हाइपोग्लिसेमिया। तो आमर हाइपोग्लिसेमिया हुए ना। ठीक अच्छे 64 नंबर वोल्टेज ऑफ करंट अप्लाइड फॉर ईसीटी इज। तो आमर एबे जो करंट आमर मानने ईसीटी जो हुए इलेक्ट्रो कन्वर्शन थेरापी
इलेक्ट्रो कन्वर्सन थेरापी जितेबाला हुए आमर तो आमर केते वोल्टेज रुए तो 64 नंबर ऑप्शन देखंतु 35 रु 75 75 रु 100 75 रु 120 100 रु 150 तो ऑप्शन सबुर आंसर कोन ना 64 नंबर आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज 75 रु 120 वोल्ट आमर रुहे एसीटी टाइम देला टाइम रे ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स कैन डैमेज द एट्थ क्रैनियल नर्व। तो कौन कहला आमर जो क्रैनियल नर्व अच्छी तो से क्रैनियल नर्व रु आमर को एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन आमर एट्थ क्रैनियल नर्व को डैमेज करवा को पॉसिबल थाए चांस थाए। तो ऑप्शन देखंतु आइसोनियाजिड पारा अमीनो जालिसिलिक एसिड इथाम ब्यूटाइल हाइड्रोक्लोराइड ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो 65 नंबर एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 65 नंबर रो ठीक आंसर होची ऑप्शन डी दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आमे नेले आमर एट्थ क्रैनियल नर्वटा डैमेज हेबार चांस थाए। तो 65 नंबर ठीक आंसर होची ऑप्शन डी। देन आमे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। तो क्वेश्चन देची रिगार्डिंग कोलेरा वैक्सीन ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट। तो कौन कहला ना आमर कोलेरा वैक्सीन को समस्ते करेक्ट करती तले जो दिया जाए तो कौन करे ना। तो इट इज गिवेन आट इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नॉट यूजफुल इन एपिडेमिक्स नॉट गिवेन ओराली। तो 66 नंबर रो राइट आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। एटा केबे भी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नुह और सब करेक्ट किंतु ए गोटे होची नुह ठीक अछि। तो 67 नंबर फॉलोइंग एन इंजुरी द नर्स शुड असेस आसेस फॉर फैट एम्बोलिज्म। तो कौन है ना गोटे इंजुरी पेसेंट रे द नर्स आसेस फॉर फैट एम्बोलिज्म ए ड्यूरिंग फास्ट 24 आवर्स ड्यूरिंग फास्ट 48 आवर्स हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज पेसेंट ऑन स्केलेटल ट्रैक्शन। तो ऑप्शन सबुरु आंसर आमर कौन करेक्ट हम ना 67 नंबर ठीक आंसर होती ऑप्शन ए दैट इज ड्यूरिंग फास्ट 24 आवर्स। तो 24 आवर्स भितर गोटे नर्स को आसेसमेंट करा पड़ो काले पेसेंट रो जो इंजुरी पेसेंट रो काले फैट एम्बोलिज्म आसेस करा पड़े फैट एम्बोलिज्म ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर ए चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिजर्डर क्यारेक्टराइज बाय अबनर्मालीज इन कम्युनिकेबल एंड सोशियाल इंटराक्शन एंड बाय रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेड आक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट्स। तो एटा कौन ऑप्शन देखंतु ए फोबिया बी ऑब्सेशन सी ऑटिज्म डी इल्यूजन। तो आमर चाइल्डहुड बेले गोटे साइकाटिक डिजर्डर कैरेक्टराइज बाय अबनॉर्मलिटीज इन कम्युनिकेबल एंड सोशियाल इंटरेक्शन। गोटे पिला सोशियाल इंटरेक्शन कर पारने कि कम्युनिकेबल कर पारने तो आम कौन कह 68 नंबर रो राइट आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज ऑटिज्म ठीक अछि। तो आमे ताकु ऑटिज्म ही कहिबा। 69 द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म इज। तो हाइपर कहिले आमर अधिका तो हाइपरथायरॉइडिज्म आमर अधिका जतले बढे तो आमर से केस रे कोन मोस्ट कॉमन सिम्पटम देखाकु मिले। ऑप्शन ए देखंतु डाइफेरोसिस ऑप्शन डी ड्राई ब्रिटल हेयर मेनोरेजिया कोल्ड सेंसिटिविटी। तो 69 नंबर रो ठीक आंसर होची ऑप्शन डी दैट इज कोल्ड सेंसिटिविटी। आमर हाइपरथायरॉइड रेंज रे हमको कोल्ड माने अधिका माने फील हुए ठीक अछि। तो 70 नंबर देखंतु ए पेशेंट विथ अक्यूट पैनक्रेटाइटिस हैज एनजी ट्यूब आमर जेला नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब और राइल्स ट्यूब फॉर लो इंटरमिटेंट सक्शन टू प्रिवेंट। तो एटा आरपीएससी 2009 रे पडथिला ठीक अछि। तो आंसर कौन हम ऑप्शन देखो क्रोनिक डिस्ट्रेसन ऑप्शन बी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ऑप्शन सी पैनक्रेटिक स्टिमुलेशन ऑप्शन डी पेरिस्टाइलिसिस। तो 70 नंबर ठीक आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज पैनक्रेटिक स्टिमुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे को जीवा। तो 71 नंबर इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। तो इनक्यूबेशन पीरियड कहले आम गोटे आमर जो किसी डिजीज भाइरस आम बॉडी को आसिक माने आमर गोटे डिजीज क्रिएट करने जितकी पीरियड पर टाइम लगे तो आम इनक्यूबेशन पीरियड कही था। तो इनक्यूबेशन ऑफ मम्स आमर मम्स इनक्यूबेशन पीरियड के ऑप्शन ए 18 डेज 10 डेज 14 डेज 5 डेज। तो 71 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज 14 दिन ठीक अच्छे 14 डेज रे हमर मम्स रो इंक्यूबेशन पीरियड। तो 72 नंबर देखंतु द आर्टरी व्हिच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक। तो हमर को आर्टरी हेड आउ नेक को सप्लाई करे ब्लड। ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरी ऑप्शन बी कैरोटिड आर्टरी ऑप्शन सी मेजेंटरिक आर्टरी ऑप्शन डी इंट्राकोस्टल आर्टरी। तो 72 नंबर रो ठीक आंसर होची कोन ना ऑप्शन बी दैट इज कैरोटिड आर्टरी। तो आपन माने एटा निश्चिंत क्वेश्चन जानिथिबे आ ए क्वेश्चन टा भी मध्ये इंपोर्टेंट कारण हमर कैरोटिड टा हमर हेड आउ नेक को हमर जाईची ड्यू थ्री की हमर फील हुए कैरोटिड आर्टरी ठीक अछि। कोरोनरी आर्टरी तो नुह मेजेंटरी आर्टरी भी नुह इंट्राकोस्टल आर्टरी भी नुह। तो ठीक अछि तो आमे 72 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो 73 नंबर देखंतु द इंक्रीज लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन डायबिटीज कीटोएसिडोसिस इज ड्यू टू फल्टी ऑक्सीडेशन ऑफ। तो हमरा कोनटा ऑक्सीडेशन हुए नहीं बोली भलसे तो हमरा डायबिटीज कीटोएसिडोसिस हुए जोटा कि हमर कीटोन बॉडीज बॉडी रे बढ़े। तो ऑप्शन देखंतु प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल्स। तो आर ठीक आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज फैट
ঠিক আছে, চৌসত্তর নম্বর, তো ডিজিজ ট্রান্সফার থ্রু কন্টাক্ট ইজ, তো আমার কো ডিজিজ মানে ডিজিজটা যদি আমার কন্টাক্ট থ্রুরে আমার হচ্ছে তো তাকে কোন কাজিব, কমিউনিকেবল ডিজিজ, ইনফেকশিয়াস ডিজিজ, এপিডেমিক ডিজিজ, কন্টাজিয়াস ডিজিজ, তো চৌসত্তর নম্বর ঠিক আনসার হচ্ছে অপশন ডি, দ্যাট ইজ কন্টাজিয়াস ডিজিজ, তো আমাকে কন্টাক্ট মাধ্যমে হচ্ছে মানে কন্টাজিয়াস ডিজিজ। তো পঁচস্তর নম্বর দেখুন, হুইচ সাইন ইজ প্রেজেন্ট ইফ এ পেসেন্ট ইজ এক্সপিরিয়েন্সিং হেপাটিক কোমা, তো হেপাটিক কোমার আমার কেউ মানে কোনটা প্রেজেন্ট রহব গোটে পেসেন্টর এক্সপিরিয়েন্সিং, ঠিক আছে, তো পঁচস্তর নম্বর এ ইকট্রিক্রস, বি ইউট্রিকারিয়া, ইউরেমিক ফ্রোস্ট, হেমানজিওমা, ঠিক আছে, তো পঁচস্তর নম্বর ঠিক আনসর হচ্ছে অপশন এ, দ্যাট ইজ ইকটিরস, ঠিক আছে, যেটা রহলা আমার জন্ডিস, তো আমার মেনলি হেপাটিক কোমার জন্ডিস হি প্রেজেন্ট রহব। তো ছস্তর নম্বর দেখুন, দ ফলোইং আর এক্সাম্পলস অফ লাইভ ভ্যাকসিন এক্সেপ্ট, তো আমার সবু আদর লাইভ ভ্যাকসিন কোটা নুহ আমাকে বাছবাক পড়ব, তো অপশন স্যার দেখুন, অপশন স্যার টাইফয়েড, ওরাল পোলিও, বিসিজি, মিজিলস, আপনার এই কোশ্চিনটা বহুত ইম্পর্টাট, আপনার নিশ্চিন্ত জাঁথিবে, তো আর ঠিক আনসর হচ্ছে কোণ না অপশন এ, দ্যাট ইজ টাইফয়েড, আমার বিসিজি বি গোটে লাইভ ভ্যাকসিন, আর যা রয়েছে সব লাইভ ভ্যাকসিন কেবল টাইফয়েড কু ছাড়ি, ঠিক আছে। তো নেক্সট কোশ্চিন সতস্তর নম্বর, এ নর্ভ হুইচ হেল্প ইন দ প্রোসেস অফ স্মেলিং ইজ, আমার কোন নর্ভটা স্মেলিং কু হেল্প করে মানে মানে আমার যে আমি যেটা শুঙ্গুছু, তো সেই শুঙ্গা আমার কোন নর্ভ কাম করে, তো অপটিক নর্ভ, অকুলো মোটর নর্ভ, অলফ্যাক্টরি নর্ভ, ফেসিয়াল নর্ভ, তো অপটিক নর্ভ আমার এটা আখি পাই, অকুলো মোটর বি সেটা আখি পাই, অলফ্যাক্টরি নর্ভটা হচ্ছে কেবল আমার স্মেলিং পাই, ঠিক আছে, তো রাইট আনসর অপশন সি। তো অঠস্তর নম্বর, সল্ট রেস্ট্রিক্টেড ইন রেনাল ডিজর্ডরস, আমার যে রেনাল ডিজর্ডর হুয়ে সল্ট রেস্ট্রিকশন হয়ে থাকে কোণ পাই না, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, তো অঠস্তর নম্বর রাইট আনসর হচ্ছে অপশন এ, দ্যাট ইজ পটাসিয়াম, ঠিক আছে। তো অনাশী নম্বর দেখুন, পরপোজ অফ ডেক্ট্রোজ ইন ব্লড স্ট্রিম এক্সেপ্ট, এটা এমস 2016 পড়ছিল, পরপোজ অফ ডেক্ট্রোজ ইন ব্লড স্ট্রিম এক্সেপ্ট, তো আদ্রু মানে কোটা নুহ ব্লড স্ট্রিমে আমরা যে ডেক্ট্রোজ রহবা পাই কোটা নুহ, তো ডেক্ট্রোজ ক্যান কজ সোডিয়াম টু গো ইন টু দ সেলস, রেসকিউ ডোজেস ফর লো ব্লড সুগার, অপশন সি ভলিউম এক্সপ্যান্ডর, অপশন ডি আন্টি কোয়াগুলান্ট, তো অনাশী নম্বর রাইট আনসর হচ্ছে অপশন ডি, দ্যাট ইজ আন্টি কোয়াগুলান্ট, ঠিক আছে। তো ডেক্ট্রোজ ইন ব্লড স্ট্রিম আমার এইগুটাক মানে এইটা নুহ আন্টি কোয়াগুলান্ট নুহ মানে এটা একসেপ্ট, ঠিক আছে। তো অশী নম্বর দেখুন, ইন কেস অফ আডভর্স রিয়াকশন টু ব্লড ট্রান্সফিউজন উইদিন 10 মিনিটস, কোণ আমার কোণ হয়েছে না, আমি গোটে ব্লড দিয়েছে যেটা কি আমার রক্ত রহিলা পেসেন্টর রক্ত দিয়েছে, যদি 10 মিনিট ভিতরে কিছু রিয়াকশন কলা তা আমাকে কোণ করা পড়ব, স্টপ দ ট্রান্সফিউজন, কিপ দ আইভি লাইন ওপন উইথ নর্মাল সালাইন সলিউশন, নোটিফাই দ ফিজিসিয়ান অ্যান্ড ব্লড ব্যাঙ্ক ইন্টারভেন ফর সাইন্স অ্যান্ড সিম্পটম আজ আপ্রোপ্রিয়েট, তো আদ্রু দেখুন এইটা আমার এমস 2016 মধ্যে পড়েছিল, এটা ও ট্রিপল এসটা তো 6432 পোস্ট বাহিল, এইটা এই কোশ্চিনটা বি মধ্যে পড়েছিল, তো অশী নম্বর রাইট আনসর কোণ হব না, তো অপশন বি, কিপ দ আইভি লাইন ওপন উইথ নর্মাল সাইলেন সলিউশন, ঠিক আছে, অশী নম্বর বি হচ্ছে রাইট আনসর। 81 নম্বর, মেডিসিনস অ্যাডমিনিস্টার ইন অ্যানাফাইলেটিক রিয়াকশন, তো এইটা গোটে মোস্ট ইম্পর্টাট কোশ্চিন, এমস 2016 পড়েছিল, তো আমার কেউ মেডিসিন আডমিনিস্ট্রেশন হুয়ে আনাফাইলেটিক শক্সে মানে ড্রগ রিয়াকশন, তো দেখুন NaCO3 ইনফ্যুজন মানে সোডা বাইকার্বোনেট ইনফ্যুজন এটা নুহ, বি ডোপামাইন, সি আডেনালিন ইনফ্যুজন, ডি নর্মাল সালাইন, তো 81 নম্বর রাইট আনসর হচ্ছে অপশন সি, দ্যাট ইজ আডেনালিন ইনফ্যুজন, আমার আনাফাইলেটিক শক্রে মোস্ট প্রিফর মেডিসিন হচ্ছে আডেনালিন, তো সেইপাই আমার আডেনালিন ইনফ্যুজন দিয়া হুয়ে। তো 22 নম্বর দেখুন, দ ইন্ডিভিজুয়ালস থিঙ্ক দ্যাট হার্ম ইজ অকরিং অর ইজ গোয়িং টু অকর, তো গোটে ইন্ডিভিজুয়াল অছি সে সবুবেলে ভাবুছি মনরে কোণ না কিছু মো প্রতি হার্ম হব কি কিছু মোর মানে গোয়িং টু অকর কিছু ঘটবাকে যাচ্ছে কি, তো অপশন দেখুন, অপশন এ ডেলুজনস অফ পারসিকুয়েশন, অপশন বি ডেলুজন অফ জেন্ডর, অপশন সি ডেলুজন অফ হালুসিনেশন, তো অপশন রু রাইট কোটা 22 নম্বর রাইট হচ্ছে অপশন এ ডেলুজন অফ পারসিকুয়েশন, তো তাকে গোটে ফিল হচ্ছে কি গোটে কিছু হার্মফুল হওয়ার যাচ্ছে তা প্রতি, তো অপশন এ হচ্ছে আমার রাইট আনসর। দেন দেখুন, তো 83 নম্বর, হোয়েন এ পর্সন হ্যাজ অনকমফর্টেবল থটস অর ফিলিংস দে মে প্রোজেক্ট দিস অন টু অদর পিপুল অ্যাজাইনিং দ থটস অর ফিলিং দ্যাট দে নিড টু রিপ্রেস টু এ কনভিনিয়েন্ট অল্টারনেটিভ টার্গেট, তো এটা ভালসে বুঝন্তু এমস 2016 এটা পড়েছিল। 83 নম্বর অপশন দেখুন, রিগ্রেসন, ডিসোসিয়েসন, রিয়াকশন, ফর্মেসন, প্রোজেকশন, তো 83 নম্বর রাইট আনসর হচ্ছে অপশন অপশন ডি, দ্যাট ইজ প্রোজেকশন, তা আমি তাকে প্রোজেকশন বলে কহবা। তো 84 নম্বর, নর্সিং রেসপন্সিবিলিটিজ ইন রিট্রেনিং অফ এ পেসেন্ট, এইটা বি এমস 2016 পড়েছিল, দেখুন তো অপশন এ পেসেন্টস অটোনোমি শুড বি রেসপেক্টেড, অপশন বি ডি এসকালেশন টেকনিক ইউজ মনিটর ভাইটালস নন অফ দি এভব, তো 84 নম্বর রাইট আনসর হচ্ছে অপশন এ, দ্যাট ইজ পেসেন্টস অটোনোমি শুড বি রেসপেক্টেড, ঠিক আছে, আমার এইটা মেনটেন যেমন হোক
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, द कलर ऑफ द यूरिन ऑफ ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड कोलेसिस्टाइटिस विथ मोस्ट लाइकली बी। तो गोटे कोलेसिस्टाइटिस पेशेंटर यूरिन को भली कलर रहिबो, ऑप्शन ए पेल येलो, ऑप्शन बी ग्रीनिश ब्राउन, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी येलो ऑरेंज। तो 85 नंबर रो ठीक आंसर होची ऑप्शन बी, दैट इज रहिबो हमर को कलर ना ग्रीनिश ब्राउन। तो ठीक अछि, आमे वर्तमान गोटे सेट रो 50 टा क्वेश्चन एबे कंप्लीटली क्लियर कर दीचे। तो आपण मु भाबुछि एमदे ए जो कोर्स टी आपण निश्चित भल लागथिबो, गोटे 50 मार्क को मु तीनटा कि तीनटा फेज रे भाबुछि क्लियर कर दीचे आपणकर सबु र क्वेश्चन आ आंसर। तो आपण को एमदे नर्सिंग एमसीक्यू माने पार्टिसिपेशन करले ही आपण प्रैक्टिस करले ही आपण को जते भी सब एग्जाम आसीबो आपण को इजी लागिबो, इजी भी माने आपण करि परिबे इजीली। तो ए सब गोटे गोटे क्वेश्चन रिपीट ही आसुची, मु निश्चिंत भी मु निजे देखिची बोली ही आपण को जी बहुत गोटे गोटे क्वेश्चन रिपीट ही आसुची। तो आपण जते परंतु एमसीक्यू करंतु, आपणकर फंडा क्लियर करंतु, थ्योरी भी किछि पढ़ंतु, आपण निश्चिंत नर्सिंग कोर्स को क्रैक करि परिबे। तो ठीक अछि, आज पे एतिकी। तो जदि आपण को वीडियो भल लागिची तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करंतु, आउ एमती अपडेट मु आगु को नै आसीबी। तो वीडियो को जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो ठीक अछि, आज पे एतिकी, रहली, जय जगन्नाथ।